परिचय, मैं नहीं गजस आपको परिचय अभी दे रहा हूँ, नहीं गजस आपको अभी मैं परिचय दे रहा हूँ। तो नहीं के जीवन से कुछ पाठ सीखेंगे। ओके, पहली बात जो नहीं के जीवन से मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, एक अध्याय जैसे हमने पढ़ा और उसका दो और तीन पद लिखा है, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की सरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। पहली बात जो मैं आज नहीमे के जीवन से आपको बताना चाहता हूँ ये है, नहीमे अपने लोगों के विषय में क्या करता था? चिंता करता था। नहीमे अपने लोगों के विषय में क्या करता था? चिंता करता। आप थोड़ा सोचिए, ये व्यक्ति जो राजमहल में रह रहा है, राजा को भोजन खिलाता है, उसका अच्छी नौकरी है, अच्छे घर में रहता है, अच्छे परिवार में रह रहा है, सब नहीमे के जीवन में परिवार में सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये व्यक्ति जो है अपने लोगों की चिंता करता था। वो उन भाइयों की, उन लोगों की चिंता करता था जो कहां थे? यरूशलेम में। यरूशलेम क्या हुआ था? इस यरूशलेम की जगह में जैसे आपको बताना चाहता हूं, यरूशलेम में क्या हुआ था कि यरूशलेम के कुछ लोगों को, यानी तकरीबन 70 साल की गुलामी में यहूदी ये लोग जो है चले गए थे, और 70 साल की गुलामी के बाद यहाँ की जो स्थिति, यरूशलेम की जो स्थिति है, उनके जो घर हैं सबको जला दिया था, उनके जो बाउंड्री वहां हुआ करती है उसको सबको जला दिया, सब कुछ खत्म हो गया था। अब सब कुछ खत्म होने के बाद, 70 साल के बाद वो लोग, कुछ लोग बंधुआई से छूट करके अपने घर यरूशलेम में आए, और जब यरूशलेम में आए तो नहेमिया ने उन्हें पूछा, अब वो कैसे हैं मेरे भाई और बहन वहां पर, अभी कैसे उनकी हालात, क्या कर रहे हैं वो लोग? तो उन लोगों ने, इसके जो एक भाई हन्नानी करके उस व्यक्ति ने कहा और लोगों ने भी कहा, नहमिया आपको क्या बताएं, वहां की स्थिति बहुत खराब है, फाटक जले हुए हैं और लोग बहुत ही दुर्दशा में पड़े हुए हैं, उनकी अच्छी हालात नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ टूटा हुआ, सब कुछ खत्म है। और इन बातों को सुनते हुए आगे की बात जब हम पढ़ेंगे, तो मैं जस्ट आगे की बात में ले जाने से पहले यहां पर आपको जो मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ, नहीं मैं अपने लोगों के विषय में क्या करता था? चिंता करता था। शायद अभी नहमिया के समान हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे रिश्तेदारों में ऐसा खंडर चीजें नहीं पड़ी होगी, फाटक नहीं जले होंगे, घर नहीं जले होंगे, पर आज लोगों के हृदय ना टूटे हुए हैं। बाहर से शायद सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे, बाहर से आप देखेंगे बिल्डिंग बहुत सुंदर है, आप उनके रंग रूप को देखें बहुत सुंदर है, सोना चांदी अच्छे वजह सब कुछ अच्छा है बाहर से, पर दिल क्या है, खंडर पड़े हुए हैं, उजड़े हुए हैं। जब आप पर्सनली लोगों से बातचीत करेंगे तो लोग कहेंगे, बहन मेरे परिवार में ये मुश्किलें हैं, मेरे घर में ये स्थिति खराब है, मेरे पति परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में बहुत कलेश है, खाने के लिए भोजन नहीं है, लोन में है हमारे ऊपर कर्जा है, ये बहुत सारी चीजें जो है, इंसान जो है अंदर से टूटा हुआ है, खंडर जैसा उनका जीवन हो चुका है। क्या आप में नए में के समान उनके लिए चिंता करते हैं? जब आप में दूसरों को सुनते हैं, उनकी मुश्किलों को सुनते हैं, जब आप उनकी परेशानियों को सुनते हैं, जब आप न्यूज में देखते हैं कि कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जब इन बातों को आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या होता है? क्या आप सुन करके बस चुप रह जाते हैं? परमेश्वर कहना चाहता है आप लोगों को, मेरी बहनों, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव में, जहां पर भी आप हैं, वहां के नहेमिया आप हैं, आज वहां के नहेमिया आप हैं। परमेश्वर आप लोगों से चाहता है कि आप आसपास, आस पड़ोस के लोगों की भी क्या करें? चिंता करें, क्योंकि ये कौन है?
आपके बहन और आपके भाई हैं। हर एक जो आस पड़ोस में आपके हैं वो आपके बहन और भाई हैं। आप और मुझे, क्या आप और मैं उनकी चिंता करते हैं? जो प्रभु को आज जानते नहीं, आपके रिश्तेदार, आपके गांव के लोग, आपके पड़ोस के लोग, क्या आप उनकी चिंता करते हैं? क्योंकि कुछ समय के बाद जब प्रभु आएगा वो नर्क में चले जाएंगे। आप अपने आंखों से उन्हें जलती हुई आग में जाते हुए देखोगे, आप उनके बच्चों को जलती हुई आग में जाते हुए देखोगे, आप उनके परिवारों को जलती हुई आग में जाते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। उस समय आपका मन, हृदय तरस से भर जाएगा। आप उनकी मदद करना चाहेंगे पर फिर भी नहीं कर पाएंगे। मालूम है कारण क्या है? आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी आपको मुझे मौका है। नहीमिया अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से जी रहा था, लेकिन उसने उसने अपनी उस सारी सुख सुविधा को ध्यान नहीं ज्यादा रखा, उन चीजों के बारे में ज्यादा, उन लोगों के बारे में चिंता रखा जो परेशानी में, मुश्किलों में। तो एक गुण जो आप में नहीं, मैं कि जीवन से सीख सकते हैं, वो क्या है? आपको और मुझे क्या करना है? दूसरों के विषय में क्या करें? सोचे उनके विषय में, सोचे उनके विषय में विचार करें, उनके विषय, उनका ख्याल रखें। ख्याल रखना बहुत जरूरी, उनका ख्याल रखें, उन्हें याद करें जो प्रभु में नहीं, उन्हें याद करें। और उस इसने सिर्फ उनकी चिंता नहीं की, नहीं यानी जो दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, जब हम 4 वचन पढ़ेंगे, लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक बिलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कह करके प्रार्थना करता रहा। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको ये है, नहेमिया ने जब इन बातों को, पहले उसने क्या किया, अपने लोगों के विषय में चिंता किया, सुना उनके बारे में। दूसरा, नहेमिया ने क्या किया, अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया। क्या किया उसने? सुन करके उसको क्या किया, अनसुना नहीं किया, लेकिन उसने उनके लिए क्या किया, प्रार्थना किया। और कैसे प्रार्थना किया, लिखा है कि बैठ करके क्या होने लगा, रोने लगा, फिर लिखा है बिलाप करने लगा, फिर उपवास करने लगा और प्रार्थना करने लगा। मेरी बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्या आप और मैं जब लोगों की मुश्किलों के बारे में सुनते हैं, क्या आप उनके लिए रोते हैं? क्या आप उनके लिए बिलाप करते हैं? रोना एक बहुत ही कॉमन सी बात है ना। कई बार जब आप कोई सीरियल, इमोशनल सीरियल देखते हैं, कई बार आपको रोना आ जाता है। कई बार अगर किसी ने आपको डांट दिया, फटकार दिया, आप थोड़ा सा रो जाते हैं, वो कुछ समय का रोना है, लेकिन बिलाप करना जो है वो काफी दिन तक चलता है। नहीं, मैं सिर्फ रोया नहीं, सुन करके रोया नहीं, बिलाप करता रहा। बिलाप मालूम है किसके लिए हम करते हैं? कब करते हैं? जब कोई हमारा अपना बहुत ही करीबी, दिल का जिगर के पास से, जब कोई बहुत नजदीकी हमारे खो जाता है हमारे जीवन से, तब हम बिलाप करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई जवान बहन, उसका जवान पति की मौत हो जाती है एक्सीडेंट में, वो बहन कई दिनों तक बिलाप करती है। अगर किसी का बच्चा किसी हादसे में, कुछ घटना घट गई, तो माँ बाप बच्चे के लिए बिलाप करते, कई दिन खाना नहीं खाते हैं, अपना चिंता फिक्र उनका भूल जाते हैं, कई दिनों तक शोक में रहते हैं, बिलाप में रहते हैं। और नहीमिया जो है, आगे लिखा है, बिलाप करता रहा, उपवास करता रहा, यानी कई दिन तक उसने भोजन भी नहीं खाया, और लिखा है कई दिन तक प्रार्थना करता रहा। नहीमिया के जीवन से मैं जो दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप और मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रो के प्रार्थना कर रहे हैं? अगर नहीं तो प्रार्थना करना शुरू करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु को नहीं जानते हैं। आप उन गांव के लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मुश्किलों में है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करें, रो कर प्रार्थना करें, प्रभु के सामने प्रार्थना करें, और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। नहीमिया की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। और जब ये लिखा कई दिन तक, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो ये मालूम है कितने दिन तक नहीमिया प्रार्थना करता रहा? 4 महीने तक नहीमिया क्या करता रहा? प्रार्थना करता रहा।
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह नहीं, नहीमिया तकरीबन कितने समय तक, 4 महीने तक नहीमिया प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा, विलाप करता रहा। मेरी बहनों, कई बार आपों में एक दिन हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, फिर हम लोग भूल जाते हैं। पर हमें कई दिन तक जो है प्रार्थना करने की आवश्यकता है, कई कई दिनों तक लगातार, जब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना न सुने, जब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना न सुने, तब तक आपको मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो दूसरा गुण जो आप नहीमिया के जीवन से बहनों सीख सकते हैं वो क्या है, क्या बने, प्रार्थना करने वाले लोग बने। अपने आपके गांव में, आपके शहर में, जहां पर भी आप रहते हैं, आपके आप उनके नाम की लिस्ट बनाए, उनके नाम लेकर के प्रार्थना करें। ये गुण मैंने अपनी पत्नी से सीखा है, सामने कई बार तारीफ करना भी जरूरी पड़ता है ना, ये गुण मैंने अपनी वाइफ से सीखा। जब हमारी नई नई शादी हुई तो ये गुण मेरे अंदर नहीं था, तो ये क्या करती थी, अपने किचन में ना प्रार्थना की लिस्ट बनाए रखती थी, और वो किचन में काम भी करती थी और प्रार्थना भी करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, जो जो प्रार्थना हमने लिखी थी उसमें, वो सब प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। आमीन। आज भी मैंने वो गुण अपने जीवन में लागू किया। आज भी अगर आप मेरे रूम में आएंगे तो वहां पर प्रेयर डायरी है मेरे पास, लोगों के नाम लिखे हुए हैं, मैं नाम लेकर के लोगों के लिए प्रार्थना। आप यकीन नहीं करोगे, उन सब नामों के धीरे धीरे सबके जवाब नहीं मिले, कुछ लोगों के जवाब मिल गए, कुछ लोगों की प्रार्थना का जवाब मुझे मिलेगा। तो ये गुण आप जरूर डालें, कि क्या होता है ना, मनुष्य हम भूल जाते हैं, भूल जल्दी जाते हैं, इसलिए लिख करके, नाम लिख करके आप उनके लिए प्रार्थना करें। आप 100% मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी एक एक प्रार्थना को परमेश्वर सुने। अपने घर के लिए आप प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, गांव के लोगों के लिए प्रार्थना करें। जब आप में लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा। तो दूसरा गुण क्या करें, प्रार्थना कर, नहीमिया के समान प्रार्थना करने वाले लोग बने। तीसरे बात जो मैं नहीमिया के जीवन से आपको बताना चाहता हूँ, ये है, नहीमिया जो है एक अच्छा योजना बनाने वाला व्यक्ति था। नहीमिया एक अच्छा योजना बनाने वाला व्यक्ति था। जो आप 2 अध्याय में जिसमें पढ़ना चाहता हूँ कुछ वचन, यहाँ पर नहीमिया जो है इसे प्रार्थना ही नहीं कर रहा था, पर नहीमिया एक्चुअली योजना ही बना रहा था। किस चीज के लिए, कि यरूशलेम में जाए और यरूशलेम की जो टूटी हुई शहर पना है, ये टूटी हुई जो बाउंड्री वाल है, उस बाउंड्री वाल को पुनः बनाने के लिए क्या बना रहा था, योजना। ये दूसरे शब्दों में कहें तो प्लानिंग कर रहा था। कई बार आप उनमें सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं और प्लानिंग नहीं करते हैं, हमें प्लानिंग करने की भी आवश्यकता है। और यहाँ पर नहीमिया बहुत ही अच्छा प्लानर था। जब इस 2 अध्याय को आप पढ़ेंगे ना, तो 2 अध्याय इस प्रकार से कहता है कि नहीमिया ने राजा से कहा, राजा, राजा ने जब नहीमिया को देखा, हे नहीमिया तुझे क्या हो गया है, तो बहुत ही अच्छा दिखता था, तो बहुत ही अच्छा बोलता था,